हम जा रहे हैं अभी जोधपुर, हमारे जो भतीज है, हमारे जो मामूसा है, उनके नए शोरूम का ओपनिंग है जीजी ज्वेलर्स, जिसको राइट 2 साल पूरे हो चुके हैं। तो फाइनली गाइज, मैं राजस्थान के जोधपुर शहर के अंदर पहुंच चुका हूं। यहां पे सामने नागेश्वर महादेव, मॉर्निंग में महादेव जी के दर्शन हो गए जोधपुर के अंदर। मोमोसा है जो हर बार आते लेने के लिए। देखो इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके आया ना मोमोसा। पति जैसे सुबह मुझे लेने के लिए नहीं आया, थोड़ा नाराज भी हूँ, लेकिन मान गया। क्या है, बच्चा है ना, तो देखो बच्चे तो नाराज होंगे तो फिर और कोई बड़े होंगे क्या। इसको खाते हुए देखा? नहीं देखा। पकड़ तो देखो, देख तेरी इतनी तारीफ हो रही है, मतलब कभी खाते हुए पकड़ा गया देखना फिर ना, ये नहीं खाता है बेटा। तो यहाँ जोधपुर के अंदर हमारी काफी डिमांड है, मुझे आज पता चला। एक और हमारे भाई साहब मिल चुके हैं जो एकदम रेडी रेट है, और हम सर का काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज इनका अभी दर्शन हुआ तो खुशी हुई। बिल्कुल बिल्कुल। फाइनली गाइस, बस जो है यहाँ पे आ चुकी है वीके टॉल्स पर। आज की जर्नी स्टार्ट हो रही है अहमदाबाद से, जो कि पीछे फ्रेम में नज़र आ रही है लग्जरी बस, इसी के अंदर हमारा सफ़र शुरू हो रहा है। और हम जा रहे हैं अभी जोधपुर, हमारे जो भतीज है, हमारे जो मामूसा है, उनके नए शोरूम का ओपनिंग है जीजी ज्वेलर्स, जिसको राइट 2 साल पूरे हो चुके हैं। उसकी खूबसूरती में काफ़ी अच्छा फंक्शन रखा है, और भतीज की तरफ से स्पेशल इन्विटेशन मिला है मुझे, तो मैं खास नवरात्रि के मौके पर अहमदाबाद से जोधपुर की ओर प्रस्थान कर रहा हूँ। का नाम है वीके जैन, मारवाड़, जोधपुर सूरत अहमदाबाद। चलिए, मर्सिडीज की गाड़ी है, देखिए मेरा फेवरेट। चलिए अंदर एंट्री करते हैं, अंदर बैठते हैं। ड्राइवर साहब तो फिलहाल है नहीं सीट पे। चल रहे दोस्तों नवरात्रि, और ये अहमदाबाद का ट्रैफिक बहुत ही खतरनाक ट्रैफिक यहाँ पे। ये है चांदखेड़ा विस्तार अहमदाबाद का, ये देखिए ट्रैफिक, मतलब जो है अति भयंकर ट्रैफिक मतलब। तो गाइस, अभी अहमदाबाद से निकलने के बाद रात के करीब 3 बजे है, और ये जय बहुचर रेस्टोरेंट करके एक रेस्टोरेंट ढाबा आया है, यहाँ पे बस रुकी है 15-20 मिनट कमरे का रहेगा। फाइनली गाइज, मैं राजस्थान के जोधपुर शहर के अंदर पहुंच चुका हूं। अभी मेरे को जोधपुर के रेख्ते भैरव जी जो स्थान है, यहां पे बस ने उतार दिया। यहां से मैंने मामूसा को फ़ोन लगा दिया है, तो मामूसा, हालांकि जो मैन जिसकी मैंने तारीफ की थी रात को वीडियो में,
कि मेरा पति जिसने मुझे स्पेशल इनवाइट किया है वो तो फोन ही नहीं उठा रहा है, तो मैं वीडियो के माध्यम से बताना चाहूंगा। भले ना उसको बुरा लगे लेकिन वो फोन ही नहीं उठा रहा यार। फिर मुझे मामा साहब को फोन लगाना पड़ा, मामा साहब तो हर बार लेने के लिए आते हैं, तो इस बार भी मामा साहब आ रहे लेने के लिए। ठीक है, चलिए मैं जो चार रास्ता आगे का वहाँ पे कुछ चाय पानी कर लेता हूँ, तब तक मामा साहब आ जाएंगे, फिर उनके साथ मिलते हैं आपको सीधा जी जी ज्वेलर्स। यहाँ पे सामने नागेश्वर महादेव, तो यहाँ पे मॉर्निंग में महादेव जी के दर्शन हो गए जोधपुर के अंदर। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जो पति मतलब इतनी उत्सुकता से जिसने बुलाया था, मतलब बहुत ही एक एक्साइटमेंट था यार, पति का फोन आ रहा है, पति इतना मतलब क्या बोलते हैं इन्विटेशन दिया है, चलो मिलते हैं जाते हैं जोधपुर, तो यहाँ आए तो क्या मतलब फोन ही नहीं उठा रहा है, ये कैसी बात हुई। देखो मैं यहाँ के बस स्टैंड पे मतलब लग्जरी बस से उतर चुका हूँ, लेकिन यहाँ के जो लोकल बस स्टैंड है राजस्थान जोधपुर का, यहाँ पे करीब करीब मुझे आधा से पौना घंटा हो गया वेट करते हुए, लेकिन पति का कोई कॉल नहीं है। मतलब चने बेच के सूंघे होना ऐसा है, बिल्कुल काफ़ी बुरा लग रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। कोई नहीं, मामोसा को फोन लगाते हैं, मामोसा आ जाएंगे। हालांकि मामोसा है जो हर बार आते लेने के लिए। देखो इलेक्ट्रिक गाड़ी लेके आए ना मामोसा, और मामोसा किए तो फिर पानी वगैरह राम राम सा बधाई हो, दो साल पूरे हो गए हमारे। लंबे सफर के बाद में हालांकि मैं आपको चेहरा दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए, ये है मतलब स्पेशल इसके लिए, मतलब मैं इतनी तैयारी करके भागम भाग करके आया, सुबह इसने मेरा फोन भी नहीं उठाया, मैंने आपको आगे वीडियो के अंदर बताया, और अभी चाय लेके आके देखो पानी भी लेके आया, चाय पिला रहा, मनवार कर रहे हैं ताकि मान जाए। मतलब आप लोग मुझे कॉमेंट कर, मतलब आपके साथ कोई ऐसी नाइंसाफी करे तो कैसा लगेगा। सो फाइनली गाइस मैं तैयार हो चुका हूँ, आप देख पा रहे होंगे मैंने नई वाली टी शर्ट जो कि मैंने आपको बताया था वीडियो में, मैंने वहाँ से अहमदाबाद के शोरूम से खरीदी थी। अभी मेरे साथ में जुवान केसरी, मतलब मेरा जो भतीजे से सुबह मुझे लेने के लिए नहीं आया, थोड़ा नाराज भी हूँ लेकिन मान गया, क्या है बच्चा है ना, तो देखो बच्चे तो नाराज होंगे तो फिर और कोई बड़े होंगे क्या। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ पे जुबान केसरी लेने के लिए, होता है दाने दाने में केसर का स्वाद, हालांकि वो किसी और के लिए लेने जा रहे हैं, और गुटखा खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। अच्छा ये भतीज से जानते हैं आपको पता है, कोई भी नहीं विमल वगैरह। अच्छा आपके यहाँ तो बेगम चलती है ना, बेगम वगैरह कोई नहीं खाता, कुछ भी नहीं पकता ना, सारे मतलब 225 करोड़ के भारतवासी आपको लाइव देख रहे हैं, तो देखो ये बेगम नहीं खाता, अच्छा बच्चा है। ठीक है, आप में से कितने लोग गुटखा खाते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना, आप सबको दिया जाएगा एक उचित इनाम, जो नहीं खाता उसको खाने वाले। अच्छा 2 रुपये वाली क्या लेने हैं बेटा, क्या लेने हैं, पेप्सी तो पेप्सी दो, और क्या लेना, और क्या लेना, 6 रुपया, 6 रुपया पाछा दो है। Oh, no! तो ये ना 6 रुपया पाछा दो। तो अभी हम लेने आए यहाँ पे जुमा केसरी ले रहा है, देखो ये वीडियो में बोला था मैं नहीं खाता हूँ, क्या ये दुकानदार यहाँ के इनके घर के पास में रहे, भैया ये खुद खाता है नहीं खाता है? पक्का ना, आपने तो कभी इसको खाते हुए देखा, पक्का ना, तो देखो देख तेरी इतनी तारीफ हो रही है, मतलब कभी खाते हुए पकड़ा गया देखना फिर ना, ये नहीं खाता है बेटा। तो यहाँ जोधपुर के अंदर हमारी काफ़ी डिमांड है, मुझे आज पता चला, एक और हमारे भाई साहब मिल चुके हैं जो कि जा रहे थे बच्ची को स्कूल छोड़ने के लिए, कैसे हो? एकदम रेडी रेट है, और हम सर का काफ़ी टाइम से इंतजार कर रहे थे, लेकिन आज इनका अभी दर्शन हुआ था, खुशी हुई। बिल्कुल बिल्कुल, और इनसे मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा, आप ऐसे ही जोधपुर आते रहो और हमारी शोभा बढ़ती रहे। अब क्या डिमांड है वो तो बाद में भाई साहब स्कूल जाके फिर बताएंगे, इनसे पूछेंगे कि डिमांड किस बात की है। ठीक है ना, कहाँ पूछा क्या डर, अभी मैं आ चुका हूँ जीजी ज्वेलर्स पे, पे जीजी ज्वेलर्स के ओनर बैठे हैं मंद मंद मुस्कुराते हुए, कैसे हो दादा, मजे में? काफी तारीफ सुनी है आपके जीजी ज्वेलर्स को, 2 साल पूरे हो चुके हैं, काफी वीआईपी मेहमान आपके आ रहे हैं, मतलब बार बार से कल हो गए, और यहाँ पे हमारा ही ब्लॉग चल रहा है, क्या बात है, ये देख के काफी मतलब प्रसन्नता हुई। और एक हमारा मेडिकल वाले भाई साहब है, देखिए पड़ोसी, कैसे हो दादा, मजे में? और ये यहाँ पे कुछ आए हुए सर, कैसे हो सर, मजे में? क्या कहना चाहेंगे आप जीजी ज्वेलर्स के बारे में? सर कमेंट तो बहुत, मतलब यहाँ की सर्विस बहुत बढ़िया है, और उच्च गुणवत्ता के मतलब ज्वेलरी यहाँ मिलेगी आपको,
दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन जो है लगातार मिलती रहे। मिलते दोस्तों एक नए वीडियो में नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।